अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं हलवा पूरी की रेसिपी। इसे 4 स्टेप्स में बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी आने वाली हर न्यू अपडेट सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारी रेसिपीज पसंद की जा रही है या नहीं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 में हमें अपने जो डो है हलवा पूरी का, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने लिया है 3 कप मैदा, उसमें नमक डालें एज यू रिक्वायर्ड, जितना आपके घर में खाया जाता है, नमक तेज़ या कम उतना आप इसमें नमक डालें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सी डो बना लें। याद रखें, हमें पूरी का आटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं भूनना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं भूनना। पूरी का आटा हमें बिल्कुल नॉर्मल गूनना है, अच्छा सा आटा करके गूनना है, बस उसमें लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। जितना आपका आटा अच्छा होगा पूरी उतनी ही अच्छी बनेगी। आटा गूंदने के बाद आपने इसे क्लिंग रैप से रैप करना है, मगर आटा जिस बर्तन में आपने रखना है उसमें अच्छी तरीके से ऑयल लगा देना है और आटे के ऊपर भी आपने ऑयल लगाना है। स्टेप नंबर 2 में हम बनाएंगे आलू की तरकारी, जिसके लिए मैंने बॉयल आलू लिए हैं तकरीबन 5 से 6। उसे अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मैश कर लीजिए। याद रखें, हमें बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने से और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं छोड़ने, बस नॉर्मल हमें आलू को हल्का सा मैश करना है। जब आलू अच्छे तरीके से मैश हो जाए फिर आपने इसमें राई डाल ली है 1 टीस्पून के करीब। साथ ही इसमें 3 टीस्पून के करीब आपने रेड चिली पाउडर डालना है और अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल दीजिए 1/2 टीस्पून। अब इसमें जाएगा नमक, नमक भी बिल्कुल इट्स अप टू यू, आपने अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है। अब इसे आप अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें जो हमने ये पोटैटो का मिक्सचर मैश किया था सारा, वो ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे तरीके से भूनना है अब हमें। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए फिर आपने इसमें शामिल करना है तकरीबन 2 कप के करीब पानी और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें सिमर पर रखना है ताकि इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड किए थे वो अच्छी तरीके से पक जाए। कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसे दम पे रखना है। 10 मिनट के अंदर हमारी ये तरकारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। नंबर 3 की तरफ, स्टेप नंबर 3 में हम बनाएंगे सूजी का हलवा। सूजी लिए हमने 1 कप, चीनी 1 कप, ऑयल 1 कप, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून और हरी कार्डमम यानी कि हरी इलायची ये लेनी है 3 क्रश करके। 3 ग्लास हमें पानी लेना है। सबसे पहले एक पतीली में ऑयल गरम करें, उसमें डाल दें सूजी, हरी इलायची और चीनी, ये सब डाल के आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ऑयल मैंने यहाँ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं बीपी वगैरह की। अगर आपके घर में ही बीपी की प्रॉब्लम्स हैं तो आप घी को अवॉइड कीजिए और ऑयल ही डालिए, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 कप ऑयल की जगह 1 कप घी भी यूज़ कर सकते हैं।
अब आप इसमें पानी डालिए तकरीबन 3 गिलास के करीब, और पानी आपने एक ही टाइम एक ही दफ़ा डालना है। बार बार आप पानी इसमें डालेंगे तो ये इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। अब इसमें फूड कलर ऐड करके आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और बॉयल आने तक इसे फुल आंच पे रखना है। जब इसमें बॉयल आ जाए तो आपने इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 10 मिनट के अंदर ये हमारा जो सूजी का हलवा था वो तैयार हो जाएगा। सूजी का हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे आप कवर करके एक साइड पर रख दीजिए। कंसिस्टेंसी आप देखें हलवे की ऐसी ही होनी चाहिए। इसी टाइम पे आपने सूजी के हलवे को फ्लेम से हटाना है, और ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो फिर वो बाद में जो रख के और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा फिर सूखा हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल बाजार जैसा रखना है तो आपने कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखनी है। स्टेप नंबर 4 में हमने जो मैदा तैयार किया था, डो तैयार की थी उसकी पूरियों की, उसे आप उसके पेड़े आपने तकरीबन आधे घंटे पहले बना के रखने हैं, और उसे ऑयल ब्रश करके ढक के रखिएगा। अब आपने इसकी बिल्कुल पतली और बिल्कुल बारीक चपातियाँ बेलनी है और इसे फ्राई करना है प्रीहीटेड ऑयल में। याद रखें पूरी को जब हम फ्राई करेंगे तो ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में पूरी अगर आप डालेंगे तो पूरी हमारी जो है वो सख्त हो जाएगी, पापड़ी की तरह हो जाएगी। और अगर पूरी को आपने बिल्कुल नरम ही रखना है बाहर की पूरियों की तरह, तो आपने इसे ज़्यादा देर ऑयल में नहीं छोड़ना है, बस हल्का सा आपने इसे फ्राई करना है स्पून चलाते हुए, और इसे फौरन ही ऑयल से निकाल देना है। क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा गोल्डन करेंगे या ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगी, वो बाजार जैसी पतली पूरियाँ होती हैं वैसी पूरियाँ नहीं बनेंगी। इसी तरह आप अपनी सारी पूरियाँ बना लें। चपाती को हमने बहुत ही पतला बेलना है और फौरन ही प्रीहीटेड ऑयल में इसे सेकना है। तो ये तैयार है हमारी मज़ेदार सी पूरियाँ, हलवा पूरी। अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ अवी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।